दिल्ली में एक इन जनरल एक अग्रेशन है और एक जो एक सो कॉल्ड परसेप्शन है कि इट्स नॉट अ वेरी सेफ सिटी फॉर गर्ल्स. यू आर इन दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, यू आर द फ्लैग बेयरर ऑफ दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन. हाउ डू यू सी दिस पर्सपेक्टिव? क्या ये सच है? अगर हाँ तो बिल्कुल ऑनेस्टली हमें बोल भी देना चाहिए, और नहीं है तो क्या नहीं है, मतलब जो भी रियलिटी है. आई लव दिल्ली. ओके, लेट्स पुट इट ऑन रिकॉर्ड बिकॉज दिल्ली इज होम फॉर मी. मैं कहीं भी चली जाऊं एंड आई लव ट्रैवलिंग, लेकिन जब मैं वापस आती हूं दिल्ली तो दिल्ली मेरे को सुकून है. दिल्ली सुकून है मेरा, मुझे बहुत अच्छी लगती है दिल्ली. लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली महिलाओं के लिए काफ़ी अनसेफ है. आप दिन में भी, रात में भी, अकेले भी, ग्रुप में भी, एंड ऑन अ डेली बेसिस 5 to 6 रेप्स आर रिपोर्टेड इन दिल्ली. And I'm telling you those cases which are reported. There are several more on a daily basis which are not reported. Because there are so many girls, little children, their parents, they approach us and they tell us that look, you know, this has happened. But I don't want to file a complaint because I feel that the system will not support me. So many cases are happening, and the kind of cases that are happening, I mean the brutality. An 8-month-old baby was brutally raped in the capital. She had to undergo 3 operations. मैं जब उससे मिलने गई थी वो उसका इतना खून बह रहा था. आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू गेट रिड ऑफ दैट मोमेंट. आई मीन इट विल हॉन्ट मी फॉर एवर. मैं उसके बाद अनशन पे बैठी. माय हंगर स्ट्राइक लास्टेड फॉर 10 डेज. ऑन द 10th डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड माय डिमांड्स एंड ब्रॉट अ चेंज इन द लॉ, मेड द स्ट्रॉन्गेस्ट पनिशमेंट फॉर रेप ऑफ चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो एडेड सेवरल रिसोर्सेज एटलीस्ट ऑन पेपर फॉर अगेंस्ट रेप. सो यू सी द काइंड ऑफ केसेज दैट आर हैपनिंग, द इंटेंसिटी ऑफ द केसेज एंड द नंबर ऑफ केसेज. द 16-year-old गर्ल हु वॉज रिसेंटली हैक्ड टू डेथ, आई मीन शी वॉज जस्ट 16. She was there just walking on the street. This man just catches hold of her and brutally attacks her for 40 times. And just imagine the insensitivity that there are people who are walking nearby, pass se guzar rahe hain, and mind you, usme women bhi thi, and they just look back and they just walk ahead. True. So definitely, there is absolutely no doubt about it. It's a very shameful thing that Delhi is the rape capital. It has become the rape capital. It's really unfortunate, but that is the truth. And all women, all girls who live in Delhi, they know it, that it's a fact. Do you see a silver lining there? Ki shayad kabhi kuch sahi ho sakta hai, ya hum sahi disha mein ja rahe hain isko change karne ke liye? Not at all. In fact, hum worse disha mein ja rahe hain. Kyunki aap dekhiye, 2012 mein Nirbhaya का केस हुआ था. पूरा दुनिया सड़क पे थी. मुझे याद है मेरे को भी पुलिस ने पकड़ के लाठी मारी थी. वो आंदोलन वहाँ शुरू हुआ, बहुत सारे कानून में बदलाव हुए. 10 दिन मैं अनशन पे बैठी, फिर उसके अगले साल फिर 13 दिन तक अनशन पे बैठी, भूखी रही. काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं, काफ़ी कानून में बदलाव हो जाते हैं, काफ़ी अनाउंसमेंट्स हो जाते हैं. लाइक मेरे 13 दिन के अनशन के बाद ये अनाउंसमेंट हुआ कि देश भर में 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सेटअप कर दिए जाएंगे, बहुत बदलाव किया जाएगा, पुलिस विमेन हेल्प डेस्क होंगे पुलिस में. बट आज का भी फैक्ट यही है कि कहीं ना कहीं कुछ नहीं बदला है.